वेलकम टू माय चैनल यूनिक रिव्यूज, जिसमें हम वेस्ट से बेस्ट कुछ यूनिक क्रिएशंस करते हैं। जैसा कि आज आपको दिख रहा होगा कि मैं अपने किचन में हूँ, यानी कि मैं आज मतलब कुछ रेसिपी के साथ यूनिक करने वाली हूँ। तो मैं आज आपको ऐसी यूनिक रेसिपी बताने वाली हूँ जो यूँ फटाफट बन जाती है 5 मिनट में। जब भी आपको कुछ स्पाइसी वगैरह खाने का मन करे तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ, लेट्स स्टार्ट इट। तो हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम पोटैटोज़ लेंगे और इन पोटैटोज़ को हम अच्छी तरह से पील करके धो के रख लेंगे। जैसा कि अब आप देख रहे होंगे कि मैंने इन पोटैटोज़ को धो लिया है, मतलब पील करके वॉश कर लिया है। अब हम इन्हें ग्रेट करेंगे और हम इसे कद्दूकस से ग्रेट कर लेंगे अपने सारे पोटैटोज़ को। एंड उसके बाद देखिए, अब हमारे सारे पोटैटोज़ ग्रेट हो रहे हैं। एंड ये देखिए, हमारे पोटैटोज़ ग्रेट हो चुके हैं सारे। मैंने ने कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसे एक बोल में शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमें इनके ऊपर ठंडा पानी डालना है और उसे हम थोड़ी देर वेट करेंगे। आई मीन 5 मिनट के लिए हम इन्हें ठंडे पानी में डाल देंगे। तो चलिए, मैं इसके ऊपर अब ठंडा पानी डाल रही हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं ठंडा पानी डाल रही हूँ और हम इन्हें मतलब थोड़ा सा दबा दबा के एकदम से पूरा पानी डाल देंगे इनके ऊपर और इन्हें रेस्ट के लिए छोड़ देंगे ओनली 5 मिनट के लिए। उसके बाद हम इन्हें सारों को अच्छे से निचोड़कर एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे, एक अलग बोल में निकाल लेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने इनको अलग बोल में निकाल लिया और ये देख अलग अलग से हो रहे हैं। आप चाहें तो 2-3 बार भी वॉश कर सकते हैं। इनका सारा स्टार्च, जितना स्टार्च निकल जाएगा उतना अच्छा रहेगा। एंड अब हम इसमें मसाला ऐड कर रही हूँ, धनिया पाउडर, सॉल्ट एज पर टेस्ट एंड रेड चिली। आप इसमें मसाले डाल सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग मसाले इसमें डाल लीजिए। एंड हल्दी पाउडर डाला है मैंने, गरम मसाला डाला है। और अब मैं इसमें एक मतलब घर का बना हुआ मसाला है, जैसे कि उसमें धनिया वगैरह मिर्च को सुखाकर बना लेते हैं, वो पाउडर में डालूंगी। अब मैं इसमें रेड कलर का पाउडर डाल रही हूँ जो कि हमारे इसको एक रेड कलर देगा जो कि काफ़ी देखने में भी अच्छा लगता है। और कम स्पाइसी बनाते हैं फिर भी वो ज़्यादा स्पाइसी सा दिखता है, तो मैंने इसमें रेड कलर ऐड किया है। देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये रेड कलर है, ये देखिए अभी सडनली चेंज हो जाएगा पूरा। देखिए कितना रेड कलर आ गया है इसमें। और अब मैं इसे पूरे को अच्छे से मिक्स कर दूंगी इसमें, जिससे कि सभी पर अच्छी सी एक कोटिंग आ जाए रेड कलर की। उसके बाद मैं इसमें मैदा मिलाऊंगी, जैसा कि आप देख रहे होंगे मैं इसमें मैदा मिलाऊंगी। ये मैंने इसमें मैदा मिला दिया है और इसे भी मैं अच्छे से एकदम से मिक्स कर दूंगी और एक मतलब थिक सा बैटर बना दूंगी। मतलब ज़्यादा पतला नहीं होगा, गाढ़ा नहीं हो, इस तरीके का ये बैटर होगा जिससे हमारे आराम से बॉल्स बन जाएं। आप इस तरीके की इसकी थिकनेस रख सकते हैं। और अब हम गैस को भी चढ़ा देंगे और उसमें तेल डालकर हम उन्हें गर्म करने के लिए रख देंगे। अब देखिए, मैं बॉल्स बना रही हूँ और हम अपनी सारी बॉल्स इसी तरीके से बना कर रेडी कर लेंगे। और तब तक हमारा तेल भी गर्म हो रहा है, तो अब जैसे तेल गर्म हो जाएगा और हम इन्हें फ्राई करने के लिए उसमें डाल देंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारा तेल गर्म हुआ है कि नहीं। तेल ऑलरेडी हमारा गर्म अब हो चुका है। एंड देखिए, आप देख पा रहे हो कि तेल गर्म है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ सारे। हम एक एक करके डाल देंगे और बस इनको चलाते समय कुछ देर तक के लिए हमें इन्हें टच नहीं करना है, बस ऐसे डाल देने हैं। जैसे ये थोड़े से नीचे से सिक जाएंगे तो ये अपने आप ही अलग हो जाएंगे। और अगर हम ऐसे ही इसमें करछी वगैरह डाल देंगे तो ये थोड़ा चिपकने का वो रहता है, थोड़ी मतलब चिड़चिड़े टाइप के हो जाएंगे, फट से जाएंगे। तो आप इन्हें थोड़ी देर तक टच ना करें, थोड़ी 2-3 मिनट के बाद ये खुद ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। आप इन्हें फिर चला सकते हैं और चला के थोड़ी गैस को स्लो एंड फुल करके आप सेकिए, जिससे कि ये पूरे अच्छे से सिक जाए, क्रिस्पी हो जाए। देखिए मेरे किस तरीके से ये सिक रहे हैं। एंड ये अब तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें मैं एक सर्विंग डिश में निकाल रही हूँ। एंड अब इसके बाद आप उसी कढ़ाई में सारे आपके जब बॉईल हो जाए, मतलब सारे आपके फ्राई हो जाएं, तो आप उसके बाद इन्हें निकाल लीजिए। उसमें थोड़ा सा तेल डाल के और उसमें प्याज को आप फ्राई कर लीजिए। प्याज को एटलीस्ट हमें सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए आप फ्राई कर लीजिए। एंड उसमें कैप्सिकम ऐड कर दीजिए, उसे भी कर लीजिए। सिर्फ हमें मतलब एक फ्राई नहीं करना, एक सॉटे टाइप करना है बस। आप हल्का सा ना सॉटे कर लीजिए जिससे इनमें क्रंचीनेस भी रहे एंड बस इसका कच्चापन भी दूर हो जाए इस तरीके से। और इसके बाद हम इसमें कैबेज ऐड करेंगे।
लेकिन पहले हमें इन्हीं को थोड़ा सा स्टर करना है, थोड़ा सा ये पक जाए, क्योंकि कैबेज तो क्रंचीनेस में ज़्यादा अच्छा लगता है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने केचप तैयार की है, ये केचप नहीं है, एक सेजवान सॉस है जो कि मैंने घर पे ही तैयार की है। बस रेड चिली को पानी में भिगो के रखा था, उसमें थोड़ा सा विनेगर डाल के उन्हें भिगो दिया एंड उसको टमाटर लहसुन और मसाले डालकर ऐड कर लिया। आप इसे मतलब फ्रिज में भी रख सकते हैं स्टोर करके, ये काफ़ी दिनों तक चल सकती है। मैं ऐसे ही बनाकर रख लेती हूँ, तो आज मैं उसी सॉस से इसमें रेडी करूँगी। देखिए मैंने कैबेज भी ऐड कर दिया है और ये रेडी हो गया है। देखिए मैं सॉस मिला रही हूँ और ये अच्छे से मिला दूँगी। और इस सॉस के साथ आपको किसी भी तरीके की कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि सोया सॉस वगैरह है, विनेगर, मैं कुछ नहीं डालना, बस हम सिंपली सॉस को ही डालेंगे। और बस सॉस को मुश्किल से एक या दो मिनट के ही लिए हमें फ्राई करना है, उसमें मिक्स करना है, जिससे अच्छे से मिक्स हो जाए। ज़्यादा सॉस को पकाना खाना नहीं है हमें बिल्कुल भी। ये इसमें थोड़ा सा पानी बच गया था, मतलब सॉस लगी रह गई थी, तो मैंने थोड़ा सा वाटर ऐड करके उसे भी ऐड कर दिया है। देखिए हमारी ये सॉस अब बिल्कुल रेडी है विद वेजिटेबल। एंड अब हम इसमें अपनी बॉल्स डाल देंगे जो मैंने बनाई थी, और इनको अच्छे से मिक्स कर दूंगी एक दूसरे के ऊपर। और इन्हें बस मुझे 2-3 मिनट और पकाना है। आप मतलब बंद करके मत पकाइए, ऐसे चलाते चलाते पकाते रहिए, ये पक जाएंगे। देखिए अब ये मेरी डिश बनकर रेडी हो गई। अब इसमें मैं अपना पेपर मसाला मिला रही हूँ, जो कि इस डिश को एक बहुत ही अच्छा यम्मी सा टेस्ट देगी, क्योंकि ये मतलब मसाला काफ़ी अच्छा होता है। इससे जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि इस मसाले को रेडी करने के लिए, जैसे आप अपनी चिलीज़ को धूप में सुखा कर फिर उसमें जीरा वगैरह, हींग, नमक डाल के पीस लीजिए और ये मसाला रेडी हो जाएगा। देखिए अब मैंने इसको निकाल लिया है और प्लेट में निकाल लिया। मैं इसे सर्व करूँगी और सर्व करने के लिए मैं बस इसके ऊपर अनियन की गार्निशिंग करूँगी। मेरे घर वालों ने टेस्ट किया है तो उन्हें रेसिपी बहुत ही यम्मी लगी है, बहुत अच्छी लगी। आप भी बनाइए और इसे ट्राई कीजिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसी लगी। और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।